छतरपुर पुलिस ने नाबालिग युवती के पैर में गोली मारने वाले कुख्यात बदमाश मंजू पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस बदमाश पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 18 मार्च की रात पुलिस को सूचना मिली कि विश्वनाथ कॉलोनी में एक युवती के पैर में गोली लगी है। थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं। हत्या के प्रयास के नामजद आरोपी मंजू पटेरिया की हर संभावित एवं संबंधित स्थान पर छापेमार कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी मंजू पटेरिया को बड़ा मल्हारा क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका एक अन्य व्यक्ति से विवाद हुआ था, आवेश में आकर उसने गोली चला दी थी जो युवती के पैर में लग गई। आरोपी मंजू पटेरिया के पास से एक काले रंग की क्रेटा कार भी जब्त की गई है। 18 तारीख को करीब रात में 12-1 बजे के आसपास विश्वनाथ कॉलोनी में एक गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची, नाबालिग बच्ची थी, जिसके पैर में गोली लगी थी। फायर आर्म्स का यूज किया गया। ये भी एक बहुत ही गंभीर मैटर था, इसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स, हम लोग स्पॉट भी गए थे और इसमें हमारी एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमारे ये अमन CSP और साथ में थाना प्रभारी, हम सब उस टीम में थे। इसका लेटर ऑन ज्ञात हुआ कि जो कुख्यात अपराधी है मंजू पटेरिया, जिसके लगभग बड़ा मलहरा क्षेत्र में 40 अपराध हैं और वहाँ का हिस्ट्री सीटर है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि बड़ा मलहरा क्षेत्र के कहीं वो जंगलों में है। तो टीम हमारी राउंड अप करके लेके आई, उसको अभी रक्षा में लिया, अभी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है और इसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और माननीय न्यायालय समक्ष हम इसको प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।